राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा पर। आज हम बात करेंगे गीता को कैसे समझें। जब बच्चा 8 से 10 साल का होता है तब पड़ोस के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। उस समय खेल में बहुत आनंद आता है, भूख भी भूल जाती है। गेंद को बल्ले से रोककर विकेट को गिरने से बचाना है, बस ये वही क्रिकेट का लुभावना खेल होता है। उस समय क्रिकेट के विविध नियम और उपनियम बताए जाते हैं और क्रिकेट की पेचीदगियां सिखाई जाती हैं और उसे नो बॉल, रन आउट, पिच, लेग बाई, कवर, शिल्प, गली इत्यादि का शिक्षण दिया जाता है। तो इन बारीकियों में उलझकर शायद क्रिकेट को कोई बच्चा हाथ भी न लगाए। जो जो बच्चा बड़ा होता है तो क्रिकेट के नियम, उपनियम और बारीकियां सबते समझ में आने लगती है। खेल खेल में क्रिकेट की कितनी ही बातें सीख ली जाती हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि क्रिकेट को सभी बातें मालूम हो गई हैं। पूरे जीवन खेलते रहें तो भी अनेकों बातें जाननी बाकी रह जाती हैं। पहले क्रिकेट की पूरी जानकारी करके खेलना शुरू करो तो कभी खेल खेलना नहीं आ सकता, ऊब कर क्रिकेट छूट जाएगा। बचपन में खेला, मन लगा, बड़े होते गए, खेलते गए, सीखते गए, अभी भी खेल जारी है, मनोरंजन भी हो रहा है और जानकारी भी बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक रूप से बिना बहुत माथा पच्ची किए हुए क्रिकेट की जानकारी होती जाती है। इसी तरह गीता को पढ़ना है, गीता में रुचि लो, गीता को भी थोड़ा थोड़ा समझो। सारा गीता ज्ञान एक बार में समझ नहीं आने वाला, एक बार में प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे क्रिकेट में हम धीरे धीरे उसके साथ आनंद लेते हैं, धीरे धीरे उसको समझते हैं। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सुनो, आचरण में लगाओ, ऐसे ही गीता समझ में आती है। गीता को आचरण में लाने वाले किसी साधक के पास बैठो, पुस्तकें पढ़ो।